हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी है अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम निकल पड़े हैं एक अलग ही सफ़र पर। आज हम निकले हैं राजस्थान से दूर, बहुत दूर, किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ राजस्थान की गर्मी से थोड़ी राहत मिले। हम आज हम इंजॉय कर रहे हैं, अपने सफ़र की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जगह के लिए निकल रहे हैं जो आपको भी सुकून देगी और हमें भी सुकून देगी। तो बने रहें 4-5 दिन हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे अपनी यात्रा से। आप भी हमारे साथ यात्रा का आनंद लें कि कैसा है हमारा यात्रा का सफ़र, कैसा है। यात्रा की शुरुआत हम कर चुके हैं बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से निकले और जैसे ही स्टेशन के अंदर इंटर करते हैं, ये वेटिंग रूम बना हुआ है। बना हुआ क्या है, बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मजदूर, मिस्त्री, कारीगर लोग हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो सामने आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, दीवार पर मिट्टी से बनाए गए हैं, जो राजस्थानी संस्कृति की पहचान है। ये नाचते हुए मोर, ये पनिहारियाँ और ये घूंघट में बहुत खूबसूरत महिलाएँ, ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसी के साथ साथ ये जो चित्र बन रहे हैं मिट्टी से, इनमें जो हमारी राजस्थान की राजाशाही है उसकी झलक है। ये सजे हुए हाथी, ये सैनिक और ये सजे हुए घोड़े, तो ये हमारी यहाँ की जो विरासत है उसको दर्शाते हैं। हम खड़े हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन के जो अभी बन रहा है, रिनोवेट हो रहा है वेटिंग रूम, वहाँ पर बहुत अच्छी ढंग से इसको बनाया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, हमारी ट्रेन लग चुकी है, टिकट रिजर्वेशन है और निर्मल सूटकेस लेकर चल पड़ा है। बढ़ते हैं हमारे सफ़र की ओर, देखते कितना शानदार रहने वाला है हमारा सफ़र। सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, बैठ चुके हैं अंदर और पूरी तरह से हमने सभी सावधानियों का ध्यान रखा है। निर्मल सारे इंस्ट्रक्शन मुझे समझा रहा है कि मास्क उतरना नहीं चाहिए, सैनिटाइज़र साथ में होना चाहिए, जो स्प्रे है, सारी सीटों को हमने पहले स्प्रे कर लिया है और बहुत अच्छे ढंग से सफ़र तो करना पड़ रहा है लेकिन अच्छे ढंग से करेंगे। सारी सुविधाएं हैं मेरे पास, ये हैंड सैनिटाइज़र है, स्प्रे है, पानी की बोतल घर से लेके निकली हूँ। और ट्रेन में भी जो 6 सीटें होती है उनमें से 3 सीटों पर ही सवारियाँ हैं, 3 खाली रखी गई है। सरकार भी गाइडलाइन की पालना कर रही है पूरी तरह से। थोड़ी देर के लिए मैंने मास्क हटा दिया है क्योंकि एक अलग ही घुटन सी महसूस होती है। 24 घंटे लगातार हम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बाहर का दृश्य है, शाम का समय है और मेरे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। ये पहला पड़ाव है मेरे सफ़र का, आप इसको देखें और पहचानने की कोशिश करें कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। यहाँ से मैंने ट्रेन छोड़ दी है क्योंकि आगे ट्रेन संभव नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ तक मैदानी इलाका था। बहुत सारे क्लू है यहाँ, आपको दिखाई दे जाएगा कि मैं किस सफ़र पर निकली हूँ और कहाँ पहुँची हूँ। लेकिन सफ़र यहाँ उतर गई ट्रेन से, लेकिन सफ़र अभी जारी है। यहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन रेलवे स्टेशन को देख कर लगता नहीं क्योंकि इतनी सारी भीड़ है यहाँ। अब ये जो मेरा सफ़र है पहाड़ी क्षेत्र का शुरू हो चुका है, वो सामने देखें कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को देखना हम मैदानी या मरुस्थल वाले लोगों को एक अलग ही सुकून देता है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं जो ठंडक दे रहे हैं, हरियाली दे रहे हैं, और इन्हीं पेड़ों में से झांकता हुआ वो सामने पहाड़ जो आकर्षित करता है हम मरुस्थल वाले लोगों को। तो राजस्थान में अभी ज्येष्ठ का महीना, जून का महीना है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन जहाँ मैं आई हूँ यहाँ काफ़ी ठंडक है। अब आपको 4-5 दिन मेरे साथ बने रहना है। ये सामने नदी बह रही है और नदी के दोनों तरफ पहाड़ हैं, काफ़ी ठंडक एहसास देने वाला है ये सारा क्षेत्र। तो पहचाने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मैं कहाँ आ गई हूँ, और अब जो मैं 4-5 दिन आपको अपने सफ़र में साथ रखूँगी वो भी आप देखें। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ये कहाँ
ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। सफ़र साथ चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत जल्दी आगे भी पहुँचेंगे, जहाँ हमारा स्टेशन है वहाँ। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।